लड्डू यहाँ रेडी हो चुके हैं अपने बुआ के घर जाने के लिए। हेलो बोल दो, नमस्ते बोलो सबको। नमस्ते। इधर हाथ जोड़ के ऐसे नमस्ते करो। नमस्ते। हम ट्रेन में बैठा। ट्रेन में नहीं बैठे, बुआ के घर जा रहे हैं। एरोप्लेन से नहीं जाना है। तो लड्डू के पापा तो जा चुके हैं, लेकिन अब लड्डू के बड़े पापा जाएंगे और ये भैया जाएंगे, छोटे भैया। बड़े भैया जा चुके हैं, देखे छोटे भैया का टीका वोका देख लिया जाए, थोड़ा थोड़ा लड्डू का भी हो जाएगा, छोटा कीजिएगा एकदम एकदम गोल सा। इधर आ, ए टोपी दे दीजिए। तो इधर आइए, आप तक लेना है। तक ले तो आप भी नहीं है, बस कुछ मुझे ही ले रहा है। पीटी पीटी कर देंगे बस यार, कोई नहीं था। अब तो और टेढ़ा मेढ़ा लगा दिए बहुत सारे लोग। हम थोड़े देर के लिए कमेंट बॉक्स ऑन किए थे, सब लोग बोले कि ये अर्णव बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनेगा और साड़ी का बहुत ज्यादा ही नॉलेज है इस छोटे से बच्चे का। छोटू से बच्चा बाबू, मैं क्यों देखूं किसी और को? मेरा बाबू क्या किसी से कम है क्या? बाबू बाबू चलो नीचे, मौसी को तैयार करा। इसको लगाओ, इसको लगाओ मेरे को। मामा पिक क्लिक कर देगी, इधर लगा दो, फोटो खींचेगी मामा। सो गाइस, यहाँ मैं आ चुकी अपने किचन में। जैसे कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम लोग का खाना अलग बनता है, तो आप लोग को क्लियर कर दे, वैसे हमारा खाना कोई अलग नहीं बनता है। आज मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं है अभी फ़िलहाल, एक्सेप्ट पापा जी। तो पापा जी तो छत पे हैं, तो भाभी को नहीं पता है कि मैं सब्जी बना रही हूँ। भाभी को बस इतना ही पता है कि पापा जी के लायक रोटी बनाना है, क्योंकि हम लोग खा लेंगे, दिन का सब्जी वगैरह भी है। और मतलब बनाना कुछ वो नहीं है, तो इसलिए भाभी अभी साड़ी का फॉल वगैरह लगा रही थी, तो वो वहाँ पे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने सोचा कि पापा जी के लिए थोड़ा सा भुजिया बना देते हैं, लेकिन यही है कि हमारे घर में जो क्वांटिटी आता है वो इस अकॉर्डिंगली आता है। और मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ससुराल में हूँ, ऐसा नहीं है। धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भाभी को नहीं पता कि मैं सब्जी काट रही हूँ ससुराल में, मैं और ज़्यादा ज़ोर से बोलती हूँ। तो फिलहाल क्या बोल रही थी मैं, मैंने सोचा कि हाँ, क्वांटिटी हमारे यहाँ पे जब भी आता है तो इस अकॉर्डिंग आता है कि एक टाइम का जब खाना बने तो सबके लिए आ जाए कम से कम। और मेरे घर ज़्यादातर हरा सब्जी बनता है, आलू खाना उतना प्रीफर नहीं करते। जैसे कि सुबह हम लोगों ने खाया था घेवड़ा और चने दाल की सब्ज़ी, और उसके बाद से हमने खाया बोड़ी, और अभी हम थोड़ा सा ही परवल था, इतना ही परवल था। तो मैंने सोचा चलो यही काट देती हूँ, पापा जी के लिए आलू परवल का भुजिया बना देती हूँ, और इसी में हम लोग भी खा लेंगे, मैं, लकी, अनुष्का और भाभी, और बाकी हमारे पास तो सब्जी है ही। तो बस अभी बना लेते हैं। और किचन का वीडियो इसलिए नहीं शूट करती हूँ क्योंकि भाभी भी होती हैं और मैं तो चलो सूट पहन रही हूँ या जो भी पहन रही हूँ, भाभी ज़्यादातर हमेशा नाइटी या फिर जो भी घर के कंफर्टेबल वाले ड्रेस में रहती हैं। तो सबको ही नहीं पसंद आता है कि हम लोग नाइटी में दिखे या ऐसे नाइट ड्रेस जो भी हम पहनते हैं घर पे उसमें दिखे, इसलिए मैं नहीं लेती हूँ उतना ज़्यादा किचन का, क्योंकि हम दोनों मिलके ही बनाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बना रही हूँ और भाभी बैठी है, या फिर भाभी बना रही हूँ और मैं नहीं हूँ। मैं जब आती हूँ भाभी रहती ही हैं मेरे साथ, तो इसीलिए नहीं शूट कर पाते हैं। चलिए फ़िलहाल अभी यहाँ पे आटा लगा लेती हूँ मैं और सब्ज़ी मेरा छौंक देती हूँ। तो इस फाइनली यहाँ पे मैं छौंक दी थी सब्जी और भुजिया बना रही थी, तब तक लकी आ गई। लकी को नहीं पता था कि कैमरा लगा हुआ, तो मैं बोली तो वो लोग फिर कैमरा में फोकस कर रहे थे। उसके बाद से मैंने आटा गूंदा फटाफट से, और मैं धीरे धीरे सब कुछ करते जा रही थी कि पता नहीं चले कि क्या बन रहा है क्या नहीं। तो यहाँ परवल डाल के आलू डाल दिया है, और मैंने एक्चुअली परवल आलू का भुजिया जब बनाती हूँ तो प्याज बाद में डालती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन कौन डालता है। यहाँ पर मेरा भुजिया बन के हो चुका है रेडी। अभी चलते हैं किचन में, किचन से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह हो चुका है, तो एग्जॉस्ट को करेंगे ऑफ और अब चलेंगे रूम में। सो गाइस, रूम में तो आ चुके हैं और
रूम में आके लग रहा है कि जन्नत में आ गए। तो फिलहाल मेरे रूम में हो चुकी है कूलिंग, क्योंकि एसी ऑलरेडी चल रहा था काफ़ी टाइम से। यहाँ देख सकते हैं कूलिंग आ रही है अभी भी यहाँ पे। तो मैं अभी हो चुकी हूँ रेडी, और रेडी क्या बोल रही हूँ मैं, ऑलमोस्ट सब कुछ मतलब भी बन गया है। और भाभी को मैं सरप्राइज़ देना चाहती थी भुजिया का, क्योंकि कुछ प्लान नहीं था, बट मैंने बना दिया। बट फिर उन्होंने बोला कि सब्जी, तो जो व्लॉग में आपने देखा होगा जब मैंने क्लिप कट किया, क्योंकि भाभी नाइटी में थी और मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी की भी प्राइवेसी को हम लोग तंग करें। और फिर मैंने भुजिया बनाया था, तो भाभी बोल रही हैं कि भुजिया सब्जी भी क्यों बना रही हो, तो मैं बोले कि कोई बात नहीं है भाभी, थोड़ा सा परवल था तो मैंने बना दिया। तो भाभी बोली कि ठीक है, फिर वो भी फ्रिज में सारा सब्जी वगैरह सहारी, और मैं जितने सहारी यानी सजाई, और जितने देर में मैं खाना बना रही थी उतने देर में मेरी छुटकी का मालिश वगैरह सब कुछ हो गया था, क्योंकि हम लोग की प्रायोरिटी है छुटकी भी। और बहुत सारे लोग कंपैरिजन वगैरह करते हैं कि क्या करती हो क्या नहीं करती हो, तो अभी मैं इतने सुकून से हूँ ना, हालांकि मैं शॉर्ट वीडियोस डाल रही हूँ तो उस पर कॉमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन लिटरली मैं व्लॉग्स तो डाल रही हूँ बट मैं बहुत सुकून के साथ हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे सारे वीडियो के ना कमेंट्स ऑफ रहते हैं, एंड लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत अफेक्ट करती है माइंड पे भी, और तब करती हैं जब फैमिली के और भी मेंबर्स उसको पढ़ें। हम पढ़े ना पढ़े फैमिली के मेंबर्स ज़रूर पढ़ते हैं कि अच्छा कौन क्या बोल रहा है, किसकी क्या राय है, ये चीज़ सही है गलत है। तो हम लोग तो जो करते हैं उसके लिए हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन फैमिली वालों को भी कोई ना कोई सुना देता है। तो इसीलिए मैं तो बहुत सुकून में, मैंने ट्रेन में ही थी ना, तो मैं सोची कि ससुराल के व्लॉग्स जैसे ही जाएंगे मैं कमेंट्स ऑफ रखूँगी, बिकॉज मुझे वो फलाने ठिकाने कंपैरिजन मेरी भाभी के साथ जेठानी के साथ नहीं चाहिए थे, क्योंकि कभी कभी चीज़ें ऐसी होती कि मैं बोल देती हूँ, तो भाभी के मामले में मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो मेरे से बड़ी हैं, और मेरे से बड़ी है इन सेंस कि मेरे से 16-17 साल पहले उनकी शादी हुई, तो मेरे सास के बराबर हैं मेरी जेठानी। और आप लोग को लगता है ना कि सास नहीं है तो बहुत फ्रीडम में रहती है, तो नहीं, भाभी यहाँ पे सब कुछ संभाली है तभी मैं उतने फ्रीडम में रह रही हूँ। तो सब कुछ टाइम से होता है यहाँ पे, और करना पड़ता भी है, कोई मजबूरी मतलब कोई फोर्स नहीं है, लेकिन हाँ खुद ही लगता है कि यार जब बड़े कर रहे हैं तो हम क्यों बैठे। हालांकि मैं अपने बच्चे को तैयार करती हूँ छुटकी को लड्डू को खिलाना पिलाना, क्योंकि कितनी बार होता है ना कि मैं खाना बनाने जाती हूँ तो खाना बनाते बनाते हम लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि चाय भी मैं खाना बना के पीऊँगी। आप लोग बताइए किसके साथ ऐसा होता है कि एक बार आराम से बैठ के ही पीऊँगी या खाऊँगी, और अदरवाइज़ पहले ये काम निपटा लेते हैं। तो उस चीज़ के चक्कर में ना बच्चे का भी खाना मतलब वो हो जाता है। तो अभी क्या होता है कि छुटकी सुबह सुबह उठती है जब भी 6 बजे 5 बजे, तो उसको उसी टाइम मालिश वगैरह करके कुछ ना कुछ खिला देते, जैसे दूध बिस्किट या फिर दही चावल या फिर रोटी किसी भी चीज़ के साथ, क्योंकि वो खाती है तो हम लोग खिला देते हैं। तो वही बोल रही थी मैं कि यहाँ पे ऐसा होता है कि अभी क्या हुआ कि मैं खाना बनाने गई तो भाभी उठा करके बाबू को पूरा मालिश वालिश कर दी, लड्डू गया अपनी बुआ के घर, तो इसी वजह से कमेंट्स ऑफ है, क्योंकि मुझे फालतू का कोई कलेश अपने घर में नहीं चाहिए था, क्योंकि हम लोग अपने घर में बहुत सुकून के साथ हैं। एंड फिर तीसरे को जब आप इन्वॉल्व करने लगो ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बाकी मेरे तो बहुत सारे व्यूअर्स जिन्हें वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू एवरीवन दिल से। और पता नहीं मतलब मुझे जितना मैं हर चीज़ का ब्लेम व्यूअर्स पे डाल देती थी ना, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी है अगर मैं चीज़ों को इग्नोर कर दूँगी ना तो देखने वाले के नज़रिया बहुत अच्छे हैं, जिनके नज़रिए अच्छे नहीं हो उनको मैं, सब किसी का नज़रिया तो आप बदल नहीं सकते हो, लेकिन आई होप कि विद टाइम सबके नज़रिया में डिफरेंस आ जाए। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। कल मेरे बेटे का बर्थडे है अर्णव का, तो आप लोग भर भर के विश कीजिएगा हैप्पी बर्थडे अर्णव। इसी की वजह से हम लोग इतने दिन पहले आए, और मतलब जो भी 5-6 दिन पहले आए, क्योंकि भैया ने बोला छुटकी का तो बर्थडे है बट अर्णव का बर्थडे है तो तुम लोग रहोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम लोगों ने बोला कि चलो, हम लोगों ने छुट्टी वगैरह जो भी था वो लिया, क्योंकि घर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली अर्णव भी हमारा बच्चा है, क्योंकि जब हमारा बच्चा नहीं हुआ था तो हम लोग बोलते थे अर्णव लकी है ना, हम लोग क्या बच्चा अभी प्लान कर रहे हैं, लेकिन भगवान जो समय पर दे देते हैं उस सब चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। बाकी अभी अर्णव का कल बर्थडे है तो देखते हैं क्या करेंगे हम लोग कल, बहुत सारा प्लान चेंज हो रहा है। और फिर अभी घर जाके सिवान, और हाँ मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है ना कि ये जो बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है वो मेरे मायके वाले करा रहे हैं,
जस्ट सिंपली मेरे जहाँ शादी हुई है नौतन, नौतन से नियरेस्ट जो जो भी ये मैरिज हॉल या बैंकेट या फिर जो भी पार्टी हॉल्स आप बोल लो, ये सब सिवान और मैरवा में है, और सिवान मेरे लिए आई थिंक यहाँ से पास है और मेरे नोन प्लेस में, जैसे कि मैं बुकिंग कर सकती हूँ डेकोरेशन की बुकिंग, नोन डीजे की बुकिंग, तो सारे हमारे नोन के हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर जो भी फंक्शन कराते हैं तो हमारे नोन में हैं सिवान के लोग। मैरवा में कभी खुद भी नहीं गई हूँ, तो इसीलिए हम लोग सिवान का ही लोकेशन चूज़ किए। बाकी सारी चीज़ें मेरे ससुराल से ही हो रही है और हम लोग खुद ही देख करके कर रहे हैं। तो आप लोग बार बार ये मत बोलो कि मायके वाले ये कर रहे हैं, मायके वाले बस इतना कर रहे हैं कि मुझे जो हेल्प चाहिए, जैसे कौन सा हॉल होना चाहिए, कैसी खाने होने चाहिए, क्या होना चाहिए, वो मैं आइडिया ले रही हूँ, और वो सब चीज़ों में पापा का हेल्प मुझे मिल रहा है कि हाँ देखो ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। बाकी जो चीज़ें होती हैं और जितना हमसे कैपेबल होगा हमारी पूरी फैमिली की तरफ से, हम लोग करेंगे धूमधाम से अपनी छुटकी का बर्थडे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे घर में इतना बर्थडे वर्थडे को लेकर इतना सब कुछ नहीं वो होते थे, लेकिन छुटकी इतनी स्पेशल है ना कि सब लोगों ने बोला कि नहीं धूमधाम से होगा छुटकी के लिए। छुटकी के आते बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, तो इसलिए बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा छुटकी के लिए। और अब आपको देखने को मिल सकते हैं मेरे मायके के व्लॉग्स, तो इसी के साथ गुड न्यूज़ मिल गया आप लोग को, और बस बने रहिए व्लॉग में। इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, मिलते हैं, बाय बाय, टिल देन टेक केयर। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो लोग नए हैं वो भी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय एवरीवन, लव यू दिल से।